नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, जिन लोगों का सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 30 जुलाई और 6 अगस्त को एग्ज़ाम है, उनके लिए मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि आप लोग अपना एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करें, कितने नंबर आप लोग का सेफ रहेगा और कैसे आप लोग को सही रणनीति से नंबर अच्छे लाने हैं। तो गाइस, अभी पिछला एग्ज़ाम जैसा कि आप लोगों ने देखा 23 जुलाई वाला कैसा रहा, सुबह की शिफ्ट काफ़ी जो है इजी आई और शाम को जो आई थी थोड़ा सा मॉडरेट था। लेकिन आप लोग अगर वैसा भी आप लोगों जैसा शाम को क्वेश्चन पेपर आया था, अगर वैसा भी आता तो आप लोग अच्छा से स्कोर यानी 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जो है एग्ज़ाम ज़्यादा हार्ड नहीं था, एग्ज़ाम जो है मॉडरेट था, लेकिन आपके वो क्वेश्चन बन रहे थे क्योंकि टाइम 2 घंटा बहुत होता है। जैसा कि आप लोग को पता है कि SSC में 1 ही घंटे का समय होता है जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें बच्चे काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं। तो यहाँ 3 लाख बच्चे हैं, तो आप लोग ये समझ के चलिए कि उसमें से ऐसे बच्चे आप लोग को ज़्यादातर मिलेंगे जो किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उनका स्कोर काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप लोग जैसे कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं तो उनके मुकाबले जो है जो तैयारी कर रहे हैं उनका जो है स्कोर काफ़ी अच्छा रहा है। और मैंने पिछली कमेंट में देखा कि काफ़ी बच्चों का जो है 80 प्लस जो है क्वेश्चन बनना है और 90 के आसपास तक भी जा रहा है। तो 90 वाले तो एक दो मिलेंगे आपको, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन 80 प्लस वाले बच्चे आप लोग को काफ़ी देखने को मिलेंगे। तो सबको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा जिनके 80 प्लस वाले हैं, ठीक है। 85 तक भी कट ऑफ जा सकती है, और 87 जो पिछली बार गई आप लोग को पता है OBC की जनरल की, उससे ऊपर थोड़ा गई थी, 88 नंबर गई थी। तो आप लोग ये मान के चलिए कि आप थोड़ा सा ऊपर नीचे जो है कर सकते हैं, और मतलब पेपर के हिसाब से नॉमिनेशन होगा तो उसमें आप लोग को फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, इसमें निगेटिव क्वेश्चन है नहीं, आप लोग इतना भी अटेम्प्ट कर पाए कर सकते हैं, लेकिन आप लोग सही क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करिए। जो टाइम है आप लोग सिर्फ किस में दीजिएगा, मैथ और रीजनिंग में दीजिएगा, क्योंकि इसमें आप लोग गलती ना करें, उसी से नंबर स्कोर होगा। हिंदी में काफ़ी इजी पैरा आ रहा है, पैरा भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। और बाकी रही जो हिंदी की बात, वो ज़्यादा टफ नहीं आ रही है, नॉर्मली आ रही है, आप लोग उसको जो है 25 में से 22-23 आराम से स्कोर कर सकते हैं। मैथ में भी आप 20 प्लस जो है स्कोर कर सकते हैं अगर आप अच्छे से लगा सकते हैं। 10-12 क्वेश्चन आपको बिल्कुल ईजी नॉर्मली मिलेंगे, उसके बाद थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो भी टाइम अच्छा रहता है तो आप लोग उसको स्कोर कर सकते हैं। देन आप लोग की जीके की बात कही, जीके की बात जो है करंट अफेयर आप देख लीजिए, पुराना भी है जैसे है तो ज़्यादा देखने की अब टाइम नहीं है, लेकिन जितना भी अगर आप रिवाइज कर पाएँ उतना कर ले, ठीक है। तो जिन लोग का एग्ज़ाम है उनको मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए और टाइम से 2 घंटा, जैसे आप लोग का 5:30 बजे सुबह अगर रिपोर्टिंग टाइम है तो आप लोग वहाँ 5 बजे भी पहुँच जाइए। और थोड़ा सा टाइम लगता है, इन लोग का प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें कई सारे फॉर्म होते हैं जो फिल कराते हैं, जैसे आप लोग का पुराना फॉर्म होता है जो आपने PST दिया था उसका भी जो है वहाँ पे फॉर्म निकाल के वहाँ पे आप लोग को लिखाया जाता है। जैसे उसमें लिखा होता है मेरा भारत महान है, ठीक है, या भारत माता की जय, ऐसे लिखाते हैं, फिर वहाँ पे थम लगता है, डेट पड़ती है, साइन होता है, तो ये प्रोसेस भी वहाँ पे होता है। और एक दो फॉर्म और होते हैं उनको भी वो लोग फिल करवाते हैं, उसके बाद आप लोग का 1/2 घंटे बाद एग्ज़ाम शुरू हो जाता है जो 2 घंटे का होता है। एग्ज़ाम के बाद आप लोग को छोड़ दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर आप लोग को लाने के लिए मिलता है और एक कार्बन कॉपी मिलती है, कैंडिडेट कॉपी जो होती है और OMR शीट और एक जो है कार्बन कॉपी उनके पास जमा हो जाती है। देन उसके बाद आप लोग को वहाँ से बारी बारी छोड़ दिया जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है, जो समय लगता है मॉर्निंग जो भी एंट्री के टाइम लगता है वही समय लगता है, सिक्योरिटी टाइम जांच के लिए लगता है। और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, आप लोग वहाँ पे आराम से बैठ के पेपर दे सकते हैं। दिल्ली अगर में जो सेंटर बने हैं वो उन्हीं के सेंटर होते हैं ज़्यादातर, तो वही लोग अपने सेंटर पर एग्ज़ाम करवा लेते हैं। तो आप लोग जिनका आगे एग्ज़ाम है वो अच्छे से तैयारी करके जाएं, और 2022 के लिए मैं जल्दी से ही आप लोग को न्यू अपडेट देने वाला हूं, तो उसका भी एग्ज़ाम जल्दी से आने वाला है। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि उसका एग्ज़ाम जो है अगस्त सितंबर के बीच में कराया जाएगा, जो है अगस्त लास्ट और सितंबर के बीच में होगा। तो यही अभी तक जानकारी मुझे प्राप्त हो पाई है, इसलिए मैंने आप सोचा वो भी बता दूँ। और जिनका फायरमैन का है वो भी लगे रहे, उनका एग्ज़ाम भी पहले कराया जाएगा। तो आई होप आप लोग की वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और अभी मैं जो एग्ज़ाम होगा उसका एनालिसिस मैं आप लोग को बताऊंगा, जैसा कि मैंने 23 जुलाई वाला जो है सेंटर पर जाके एग्ज़ाम का एनालिसिस पूरा किया था और बच्चों से बात कराई थी, इस बार भी मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ। तो आप लोग जो है हमारे चैनल से बने रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।